हेलो एवरीवन, तो यार क्या हाल चाल है आप सभी भाइयों के। तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई MG कमेंट EV के कुछ फीचर्स के बारे में, या फिर आप फैक्ट्स भी बोल सकते हो। तो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार फीचर्स के बारे में बताएंगे MG कमेंट के बारे में। तो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यार जो पहला फीचर है ना भाई, काफी ज्यादा अमेजिंग है इस गाड़ी का, क्योंकि यार इस गाड़ी का जो है MG की तरफ से भाई ऑफिशियल एक ऐप आता है कमेंट EV करके कुछ, तो वो ऐप ना आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जो है अपनी कार के साथ इसको जो है कनेक्ट कर लीजिए। फिर जो है इसमें आपको काफी सारे भाई फीचर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने स्मार्टफोन से ही कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन से ही लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, और अपनी कार की लाइट को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, और जो है आप अपनी कार को भी यहाँ से जो है स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। और यही नहीं भाई, आप अपने ऐप के जरिए जो है इसकी चाबी भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं जिसे आप चाहें, और इसी ऐप से जो है उसको डिसेबल भी कर सकती हैं। तो भाई काफी मस्त फीचर है ये यहाँ पर इस ऐप के जरिए। और दूसरा जो फीचर है वो है भाई काफी नॉर्मल सा फीचर है, लेकिन काफी यूजफुल ये फीचर होने वाला है। तो यार ये है इसकी चाबी, जो कि काफी मजेदार लुक के साथ में हमें देखने को मिलती है। लेकिन फीचर ये है इस गाड़ी का जो है, आप अपनी चाबी को जो है पॉकेट में रख लीजिए, और जैसे ही आप अपनी गाड़ी के पास में जाएंगे ना, तो आपकी जो है गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली जो है अनलॉक हो जाएगी, और जैसे ही आप अपनी गाड़ी से दूर जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो गाड़ी है वो लॉक हो जाएगी। तो यार ये फीचर भाई काफी अमेजिंग है और काफी ज्यादा यूजफुल ये फीचर डेली यूज में होने वाला है। तो यार जो तीसरा फीचर है ना भाई, काफी कूल लगने वाला है और काफी ज्यादा रात के टाइम में भाई काफी अमेजिंग होने वाला है। तो यार इस गाड़ी में जो है हमें फ्रंट में MG का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कूल लगता है भाई देखने में। तो यार अगर आप अपनी गाड़ी का कोई भी गेट खोलते हो ना, तो ये MG का जो लोगो है ना वो ग्लो हो जाता है, यानी कि इसमें ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी। तो यार ये चीज भाई काफी कूल लगने वाली है, रात के टाइम में आप अपनी गाड़ी का गेट खोलते हुए फ्रंट में यहाँ पर MG ग्लो करता हुआ भाई काफी अमेजिंग हमें लगने वाला है। यार जो चौथा नंबर का फीचर है ना, तो भाई इसको मैं फीचर नहीं कहूंगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन कहूंगा जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज यार काफी सही चीज है, इसको शेयर करना जरूरी था। तो यार 5 कलर ऑप्शन के साथ में ये गाड़ी हमें देखने को मिलती है, ये तो हम सभी लोगों को पता है, लेकिन भाई इसमें जो है आपको स्टिकर स्टाइल्स करके 7 अलग अलग ऑप्शन की जो स्टिकर्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई काफी कूल लगते हैं भाई देखने में, काफी अलग ही थीम आ जाती है पूरी गाड़ी पे। और यही तक नहीं भाई, कमेंट लाइट पैक करके 4 अलग अलग ग्राफिक थीम इसमें हमें देखने को मिल जाती है, जिससे भाई आपकी जो गाड़ी का लुक है ना भाई काफी कूल लगने लगता है, काफी अमेजिंग जो है हमें देखने को मिल जाता है। और 5वां जो फैक्ट है, हाँ ये फैक्ट है भाई, ये फीचर नहीं है, तो काफी सारे लोग सोचते हैं इस गाड़ी में जो है अलॉय व्हील हमें देखने को मिलता है, जो कि 12 इंची के टायर साइज के साथ में आता है। तो भाई इस गाड़ी में जो है हमें अलॉय व्हील नहीं मिलता है, इसमें जो है व्हील कवर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं, काफी सारे लोग भाई कंफ्यूज हैं इस चीज में भाई। स्टार्टिंग में मैंने देखी थी तो मुझे भी ये अलॉय व्हील ही लगे थे, बिकॉज यार इतने सारे फीचर इस गाड़ी में दे दिए थे, तो भाई काफी सारे लोग भाई मेरी तरह भी कंफ्यूज हो गए थे। तो यार अब जो है क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो है अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, सिर्फ व्हील कवर इस गाड़ी में जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यार कमेंट करके बताइए क्या आपको भी ये चीज पता था। तो यार 6 जो फीचर है ना भाई, इसको हिडन फीचर कहेंगे तो भाई यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं होगी, बिकॉज यार जो सेंटर में मिरर होता है ना बैक साइड देखने के लिए, यहाँ पर भाई MG ने अपनी कॉमेट में USB सॉकेट दी है, जो कि काफी यूजफुल होने वाली है, बिकॉज आजकल जो है डैश कैम लगाते हैं हम अपने मिरर में सामने की साइड में, तो भाई यहाँ पर उसको कनेक्ट करने के लिए भाई काफी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर जो है, ये फीचर आप देख कर बोल सकते हो भाई कितने ज्यादा फीचर इस गाड़ी में, छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में लेकर इस गाड़ी को बनाई गई है। तो यार कमेंट तो इस बात पे बनता है। और 7 जो फीचर है ना वो है इस गाड़ी की है भाई डिस्प्ले, यानी कि इसमें जो है आपको 10 इंच की डुअल डिस्प्ले इसमें हमें जो है देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पर इसका जो क्लस्टर है ना भाई पूरी तरीके से डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको काफी सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाती है। और दूसरी जो डिस्प्ले है भाई सेंटर कंसोल की, जो कि 10 इंच के साथ में आती है, और यहाँ पर जो है भाई एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही जो है वायरलेसली सपोर्ट करता है, जो कि काफी बढ़िया चीज है और काफी बढ़िया ऑप्शन के साथ में आती है। तो यार आजकल की जनरेशन के हिसाब से भाई काफी यूजफुल ये फीचर होने वाला है। तो यार कमेंट करके बताइए आपका क्या ख्याल है इस MG कमेंट के बारे में। तो यार वीडियो लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।